नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। ओमिक्रॉन के संकट के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत के पास कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी पहली मैसेंजर mRNA वैक्सीन जल्द होगी। आपको बता दें, जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा करने वाली है। एक और खुशखबरी भी है कि यही कंपनी विशेष तौर पर ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन बना रही है। इसके लिए भी मैसेंजर प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने हाल ही में दूसरे चरण के ट्रायल का डाटा फार्मा रेगुलेटर को सौंपा है। SARS-CoV-2 वायरस के डेल्टा वेरिएंट पर विकसित दो डोज वाली ये mRNA वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल 3000 लोगों पर किया गया। सूत्रों के मुताबिक कंपनी अब तीसरे चरण का ट्रायल भी पूरा करने जा रही है। कंपनी ने वैक्सीन की रिस्क मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी और एक बार रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन बनाई जाने लगेगी। वहीं ओमिक्रॉन की वैक्सीन जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स की लेबोरेटरी में तैयार कर ली गई है और अब इसका इंसानों पर टेस्ट किया जाना बाकी है, ताकि इसके असर और इम्यूनिटी पैदा करने की क्षमता का पता लगाया जा सके। वहीं कोविड-19 पर नेशनल टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि mRNA प्लेटफॉर्म पर कोरोना वैक्सीन बनाना देश के लिए बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि की बात है। खास बात यह है कि देश में मौजूद कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की नई वैक्सीन स्टोरेज के अनुकूल होगा। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अगर एक बार mRNA प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन का निर्माण हो गया तो फिर कोविड ही नहीं दूसरी वैक्सीन का निर्माण भी इस प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से होने लगेगा। कंपनी में तैयार की जा रही ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन भी इस मामले में बेहद खास है कि आगे भी जब कोई नया वेरिएंट आएगा तो उसे टारगेट करने के लिए वैक्सीन में बदलाव किया जा सकेगा। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की तरफ से सौंपे गए ट्रायल डाटा का अध्ययन किया जाएगा और फैसला करेगा कि वैक्सीन को मंजूरी दी जाए या नहीं। कोविड वैक्सीन निर्मित राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा ने ये बात कही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया।